हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर ओके। सो गाइज, आज हम लोग एक बेस्ट सप्लीमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिएटिन। सो गाइज, क्रिएटिन जो भी है ना, जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सप्लीमेंट बोलूँगा मैं, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला सप्लीमेंट बोल सकता हूँ, जो भी हमारे मसल बिल्डिंग के दौरान वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों को। अगर आपने अभी तक क्रिएटिन यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस कि क्रिएटिन बेस्ट सप्लीमेंट है, आप जल्द से जल्द यूज़ करिए। जो भी बॉडी बिल्डिंग में जाना चाह रहे हैं, जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, वो लोग बिल्कुल क्रिएटिन यूज़ करिए गाइस। क्रिएटिन बेस्ट सप्लीमेंट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्रिएटिन यूज़ करने से ही आपका मसल बिल्डिंग जल्द ही जल्द से होगा, ओके ना गाइस। जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि ये क्रिएटिन मैंने मंगाया है, जो कि बिग मसल्स न्यूट्रिशन का है। यहाँ पे मुझे इसमें 50 सॉफ्ट आएंगे गाइस, जो कि इसका जो भी फ्लेवर है ना, इसका नाम है देख लीजिए, जैसे कि सेक्स ऑन द बीच इसका फ्लेवर का नाम है। तो ये यहाँ पे है, इसमें जो भी यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी है, इसके मोनोहाइड्रेटेड गाइस इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट मसल ग्रोथ जो भी रहती है ना, उसको रिकवरी जल्द से जल्द करेगा गाइस, ओके ना गाइस। अगर आपको चाहिए तो आप अमेजोन में जाके भी यहाँ पे ये क्रिएटिन खरीद सकते हैं गाइस, ओके ना गाइस। ज़्यादातर लोगों को ये रहता है कि क्रिएटिन कब यूज़ करना है और कितनी मात्रा में यूज़ करना है, अभी वो मित्र रहता है, उन लोगों को नहीं पता रहता कि कैसे क्रिएटिन कब यूज़ कर सकते हैं प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में, और कितनी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, यही बताने वाला हूँ गाइस, ओके ना। 2013 के दौरान एक स्टडी हुई थी गाइस, जो कि इंटरनेशनल जूनियर साइंस एंड स्पोर्ट्स के दौरान में, जहाँ के 19 बॉडी बिल्डर्स को क्या मानसो क्रिएटिन दिया गया प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में, क्रिएटिन दिया गया इन लोग को कि मालूम करने की ज़्यादा प्री वर्कआउट में इफेक्ट होता है या पोस्ट वर्कआउट में इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे बॉडी बिल्डर जब कंज्यूम करे प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में, तो स्टडी के दौरान उन लोग को मालूम हुआ कि प्री वर्कआउट में लेने से या पोस्ट वर्कआउट में लेने से, दोनों का भी जो भी है स्टडी करने के बाद उन लोग कंक्लूजन आया है कि प्री वर्कआउट में या पोस्ट वर्कआउट में उन लोग को दोनों को भी रिजल्ट सेम ही दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि प्री वर्कआउट में अलग रिजल्ट आया, पोस्ट वर्कआउट में लेने से अलग रिजल्ट आया, ऐसा नहीं है गाइस। दोनों का भी रिजल्ट क्या मतलब सेम आया उन लोगों को लेने के दौरान। तो थोड़े जनों को मालूम नहीं रहता प्री वर्कआउट में लेना पोस्ट वर्कआउट में, तो आप प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। प्री वर्कआउट में आपको 45 मिनट्स पहले लेना है, पोस्ट वर्कआउट में भी आपको वर्कआउट करने के बाद 45 मिनट्स के बाद आप क्रिएटिन ले सकते हैं गाइस। कैसे लेना है, प्री वर्कआउट में आप ग्लूकोज के साथ या तो प्रोटीन के साथ ले सकते हैं, ओके ना गाइस। अगर पोस्ट वर्कआउट में ले रहे तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या प्रोटीन के साथ, दो भी उसमें भी दो चीज़ आता है, ओके ना गाइस। तो ये हुआ कैसा कंजेशन करना है, तो कितने ग्राम में कंजेशन मतलब कितने ग्राम में आपको लेना है, यहाँ पे भी आपको दो चीज़ आएंगे गाइस, एक लोडिंग के दौरान एक नॉर्मली के दौरान। 1 वीक तक आप क्या मानसो दिन डेली 10 ग्राम्स ले सकते हैं गाइस, लोडिंग के दौरान डेली 10 ग्राम्स लेके, उसके बाद आपको 1 वीक 5 से 7 डेज में आपको उसमें इफेक्ट दिखा देगा। अगर आप नॉर्मली ले रहे हो तो आप 3 से 5 ग्राम क्या मतलब डेली ले सकते हैं, आप 3 से 5 ग्राम आप डेली लिए तो आपको क्या मतलब इसमें क्या मतलब आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको क्या मतलब यहाँ पे भी क्रिएटिन आप हल्लो लो अपने बॉडी में जाके अपने को यहाँ पे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता। अगर आप क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम डेली ले रहे हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा, आप यहाँ पे 3 महीने कंटिन्यूसली ले लेके, उसके बाद 1 मंथ का ब्रेक ले लेके, उसके बाद फिर कंटिन्यू 3 मंथ्स ले सकते हैं। अगर आप लोडिंग में जा रहे बोल तो फर्स्ट 5 to 7 डेज आपको क्या मानसो 10 ग्राम्स लेना है, उसके बाद आप नॉर्मली क्या मानसो 3 से 5 ग्राम ले सकते गाइस। ज़्यादातर ये जो लोडिंग फेज है ना गाइस, तो वो उन लोग को बॉडी बिल्डर्स को अप्लाई होता, अपने को नहीं होता, वो जो नॉर्मली कर रहे ना उन लोगों को नहीं होता। बॉडी बिल्डर जो भी ओलंपिया ऐसा मतलब जो भी कंपटीशन देने जाते ना, उन लोगों के लिए उन लोगों को वहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा देता वो। तो अगर आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो ऐसा बोल तो आप क्रिएटिन लोडिंग में ले सकते, अगर नहीं नॉर्मली में ऐसा बोल तो आप नॉर्मली तरफ से 3 से 5 ग्राम ले सकते गाइस। तो यही था मैं आपको बताने का, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि क्रिएटिन कितने ग्राम में लेना है, कब प्री वर्कआउट में पोस्ट वर्कआउट में। तो आप प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्री वर्कआउट में पर्टिकुलरली लेना है, पोस्ट वर्कआउट में पर्टिकुलरली लेना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके ना गाइस। तो यही था आप लोगों को बताने का।